नमस्कार मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं Z फ़ंड्स Z फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली एस आई पी जी हां आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को शुरू कर सकते हैं Z फ़ंड्स ऐप से डेली एस आई पी के माध्यम से इसके अलावा Z फ़ंड्स ऐप पे आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो जी हाँ जहाँ कहीं से भी की हो आपने म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पर और यही नहीं इन जेड फंड्स ऐप पे दिख रही म्यूचुअल फ़ंड स्कीम्स को रख कर आप ले सकते हैं लोन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड डाउनलोड करें बात करें अपने Z से, के बारे में, एक ही पे अपना सारा पोर्टफोलियो कैसे देख सकते हैं इस बारे में और कैसे आप अपने पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर ले सकते हैं लोन सिर्फ जेड फंड ऐप पे इस वीडियो में हम बात करेंगे निपोन मल्टी कैप फंड की अब ये मल्टी कैप फंड क्या हुए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2020 में नोटिफाई किया था और डिफाइन किया था सेबी के सर्कुलर के अनुसार एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड फंड स्कीम में मैनेजर को मिनिमम 25 परसेंट एलोकेशन रखना होता है लार्ज कैप स्टॉक्स में 25 परसेंट एलोकेशन रखना होता है मिड कैप स्टॉक्स में और 25 परसेंट एलोकेशन रखना होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये लार्ज कैप स्टॉक्स क्या हुए लार्ज कैप स्टॉक्स यानी वो स्टॉक्स अगर भारतीय स्टॉक मार्केट को उनकी कंपनीज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से लिस्ट किया जाए तो जो टॉप हंड्रेड कंपनीज़ होंगी मार्केट वैल्यू की उन्हें कहा जाएगा लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज़ होंगी इस लिस्ट में जो कंपनीज 101 से 250वें नंबर पर आती हैं और 250 के बाहर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब कंपनीज़ कहलाई जाती हैं स्मॉल कैप यानी भारत की लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट में जो भी कंपनी टॉप टू में नहीं आती उसे स्मॉल कैप कहा जाता है मल्टी कैप फंड के थ्रू आप पाते हैं तीनों तरह की कंपनीज में एक्सपोजर क्या रिटर्न्स रहे हैं इस कैटेगरी के पिछले एक और तीन सालों में आप इस ग्राफिक में ये रिटर्न्स देख सकते हैं इस कैटेगरी ने पिछले एक साल में 44.96 और तीन सालों में ट्वेंटी का रिटर्न दिया है जी मल्टी कैप एज अ कैटेगरी ने पिछले तीन सालों में ट्वेंटी के रेट से सालाना रिटर्न दिया है आइए अब बात करते हैं निपॉन मल्टी कैप फंड की ये फंड साल 2020 से पहले रिलायंस इक्विटी अपरचुनिटीज फंड के नाम से जाना जाता था जी हाँ निपोन म्यूचुअल फंड पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था मार्च 2024 में इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं इस फंड का लार्ज कैप बायस है इस फंड का 43 थ्री परसेंट एम लार्ज कैप स्टॉक्स में है क्या फंड 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 मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं मैनेजर्स मैनेजर्स सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स को चूज करते हैं जिनकी ग्रोथ और अर्निंग पोटेंशियल को अभी तक स्टॉक मार्केट ने पहचाना नहीं है यानी फंड मैनेजर्स का एफर्ट होता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना जिन्हें अभी ब्रॉडर मार्केट ने आइडेंटिफाई नहीं किया है फंड मैनेजर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं बॉटम अप यानी पहले कंपनी को देखा जाता है फिर जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसे रिव्यू किया जाता है और फिर मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखा जाता है और टॉप डाउन अप्रोच हुई कि पहले मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखा जाए देखा जाए कौन सी इंडस्ट्रीज अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ेंगी और फिर उन इंडस्ट्रीज की कंपनीज को सेलेक्ट किया जाए ताकि इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स आए फंड मैनेजर्स मार्केट लीडर्स और इमर्जिंग थीम्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं सत्ताईस करोड़ के एयूएम की इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं क्या रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में इस फंड ने आप इस ग्राफिक में इस फंड के पिछले एक तीन और पांच सालों के सालाना रिटर्न देख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं इस फंड के बेंच मार्क के रिटर्न जी हाँ पिछले एक तीन और पांच सालों के निपोन मल्टी कैप फंड के बेंच मार्क के रिटर्न्स जी हाँ निपॉन मल्टी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है क्या रिस्क है निपॉन मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का वेल well, निपॉन मल्टी कैप फंड प्योर इक्विटी फंड है इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप्स में भी एक्सपोजर है यानी इस फंड में आप तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन तीन चार साल या उससे अधिक अवधि का है याद रहे ये फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है कितना एक्सपोजर हो निपोन मल्टी कैप फंड में आपका क्या निपोन मल्टी कैप फंड आपके लिए सही है इस फंड में एस के माध्यम से इन्वेस्ट करें या इस फंड में इन्वेस्ट करें लमसम जानने के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें डाउनलोड करें जेड फंड ऐप जेट फंड जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली